नाजरीन आदाब, मैं रफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय सिटी स्टाइल एंड को स्पॉन्सर्ड एसके इन्फोकॉम। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय एसके इन्फोकॉम। आइए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। पश्चिम बर्दवान स्टूडेंट लाइब्रेरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से सेव ड्राइव सेव लाइफ के तहत हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। मेयर जितेंद्र तिवारी, वजीर लक्ष्मी रतन शुक्ला, आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नर डीपी सिंह ने अपने हाथों से सैकड़ों लोगों के दरमियान हेलमेट तकसीम की। साथ ही साथ आसनसोल का नाम रोशन करने वाले कौशिक सेन और शहीद संजीव कुमार के परिवार को इस्तकबालिया दिया गया। যারা এসছেন তারা যদি আমাদের অতিথিবৃন্দকে সম্বর্ধনা দিতে চান, তারা এসে পরে সম্বর্ধনা জানাতে পারেন। सुकमा में अपनी जान की बाजी दे दी, लैंडस्लाइड जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें उसकी जीवन गए चली गई, और उसके बाद भी उनके माता जी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे आज भी मजबूती के साथ हमारे खड़े हैं कि हाँ, और गर्व के साथ खड़े हैं कि मेरे सपूत ने यदि अपना जान दिया है तो इस देश की अखंडता की रक्षा के लिए जान दिया है। ऐसे परिवार को सम्मानित करते हुए हम लोगों को अत्यंत हर्ष हो रहा है। एक और हमारा आसनसोल का उज्जवल नक्षत्र किना उधर कौस्तव, जो पूरे पश्चिम बंगाल में आईआईटी में प्रथम स्थान अधिकार किया है, जिसने वो आसनसोल का लड़का है, उसके लिए भी उनके माता पिता को, उनके सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मंच के सामने स्टूडेंट लाइब्रेरी कोऑर्डिनेशन कमेटी के आप जो लोग हैं, चूंकि ये घरेलू माहौल में ये कार्यक्रम हो रहा है, कुछ बातें हैं जो आपसे साफ साफ करनी जरूरी है। आपने ये निर्णय लिया कि आप 2000 हेलमेट, राज्य की मुख्यमंत्री का जो सपना था कि सेफ ड्राइव सेव लाइफ, इसके तहत आप 2000 हेलमेट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर जगह। ममता बनर्जी के दिमाग में यह बात एक मातृ हृदय की कल्पना है, एक माँ ही सोच सकती है जब एक्सीडेंट में अपने बच्चे को जान गंवाते हुए देखती है। देश के कई हिस्सों में डॉक्टर्स एहतजाज का मुजाहरा कर रहे हैं। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, यही वजह है कि एहतजाज के दौरान भी ये अपने फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। आसनसोल जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने शनिचर की तरह सोमवार के रोज भी एहतजाज जारी रखा और अपने फराइज अदा करते हुए अस्पताल के अहाते में पंडाल लगाकर आउटडोर के मरीजों का इलाज किया। दूर दराज से आए मरीजों ने इसी पंडाल में अपनी जाँच कराई। डॉक्टर ने कहा कि वो इसी तरह अपना फर्ज निभाते हुए एहतजाज जारी रखेंगे। এই মেডিসিন চেঞ্জ কবে রক্ত পরীক্ষা করছো মা? না, আমাদের স্টাই কে লিয়ে প্রবলেম হ্যায়, কাল মিলেগা। আর ভিটামিন এখান থেকে দিয়েছিল দেখা।
আজকের দিনে ওপিডি বাইরে, কারণ আমাদের আপনারা জানেন যে এনআরএস এ একটা হামলার ঘটনা ঘটেছিল 10 তারিখে, তারপর থেকে এনআরএস এর ডাক্তাররা আন্দোলন করেছেন। এই আন্দোলনের সাপোর্টে গোটা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল ডাক্তার আন্দোলনে বসেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ না, সারা ভারতবর্ষের ডাক্তাররা আন্দোলন বসেছে। আজকে 17 জুন IMA ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ডাক দিয়েছে টু স্টপ অল দ্য নন এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস, আই মিন ওপিডি, বাট ইট ইজ নট দ্য ইমার্জেন্সি অ্যান্ড ইনডোর। ইমার্জেন্সি অ্যান্ড ইনডোর আর রানিং পিসফুলি, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম উইথ দ্য ইনডোর অ্যান্ড ইমার্জেন্সি। ইউ আর জাস্ট নট ডুইং দ্য ওপিডি, বাট ফর দি পেশেন্ট সো দ্যাট দে ডু নট সাফার, উই আর ডুইং আওয়ার প্যারালাল ওপিডি। ইউ আর নট এগেনস্ট দ্য পিপল, ইউ আর এগেনস্ট দ্য পিপল হু আর ডুইং দ্য হুলিগানিজম। উই আর এগেনস্ট দ্য, উই আর নট কমন পিপল, উই আর অলওয়েজ উইথ দ্য পিপল, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর ডুইং দ্য প্যারালাল ওপিডি, সো দ্যাট দে ডু নট সাফার। And today, that's why we are doing nobody in our tent. And you must be pleased that we have arranged one blood donation camp also. This is to show the people that we are not against the people, we are for the people. So we are donating blood for the people also. ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন। আপনার সঙ্গে একদম সহমত, আমরা আগেও এখন বলেছি, এরপর এদের লাগাতার চলছে, আশা করছি আজ বিকালে এটা মিটে যাবে। যদি মিটে যায় তো সব শান্তিপূর্ণ সমাধান হলো, তো মিটেই গেল, আর না হলে আমাদের আন্দোলন চলবে না। এর আসানসোল জেলা হাসপাতালে একটি ব্যতিক্রম ছিল, ওটা আলাদা টাইপের আন্দোলন, এটা কেন? কেন এইটা হচ্ছে নভেল, যাতে আর্মরা আমাদের ফলো করতে পারে, সেটা যে আমরা রোগী পরিষেবা ব্যাহত না করেও আমরা জনগণের সার্ভিস দিয়েও আন্দোলন করতে পারি। আমরা উই আর ডুইং দ্য টোকেন প্রোটেস্ট, নট দ্য অ্যাকচুয়াল স্ট্রাইক, ইট ইস নট এ স্ট্রাইক, অল আউট স্ট্রাইক, ইটস এ টোকেন প্রোটেস্ট, ইট উইল কন্টিনিউ সো লং ইট ইজ রিকোয়ার্ড, আদারওয়াইজ উইল গো ইনটু দ্য টোটাল স্ট্রাইক লেটার অন ইফ দ্য সিচুয়েশন সো ডিমান্ডস। আসানসোলের ডাক্তাররা ব্যতিক্রম এসেছে যে আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের অনেক অনেক হাসপাতালে ওপিডি বন্ধ আছে, দে আর নট রানিং দ্য প্যারাল ওপিডি, বাট ইন আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল উই আর রানিং দ্য প্যারাল ওপিডি ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং ডে, ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং। সো উই আর অলওয়েজ উইথ দ্য পেশেন্ট, উই আর নট এগেনস্ট দ্য পেশেন্ট, উই আর এগেনস্ট দ্য হুলিগানস। চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে যে সমস্যা চলছে, আমরা সেই প্রতিবাদে আজও সামিল হয়েছি, কিন্তু কখনোই রোগীদেরকে তাদের পরিষেবা থেকে আমরা বঞ্চিত করছি না, আমাদের প্রতীকী প্রতিবাদ। তাই আমরা হসপিটালের নির্দিষ্ট জায়গায় আউটডোর না করে বাইরে করছি, ইমার্জেন্সি চালু আছে, আমরা আশা করছি যে আজকের মধ্যে এই সমস্যার একটা সমাধান বেরোবে এবং ডাক্তারদেরকে এইভাবে আর আন্দোলনের জন্য পরিষেবাকে বিঘ্নিত করে আন্দোলন করতে হবে না আর কি। আমি এটা অনুরোধ করছি সমস্ত লোকের কাছে, সবার কাছে, যে আসুন আমরা সবাই মিলে এর একটা প্রতিরোধ করে দিই, ডাক্তারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত। একটা অন্য রূপ এই জেলা আসানসোল জেলা হসপিটাল সমস্ত জায়গা থেকে একটু আলাদা, এটা কেন? আসানসোল জেলা হসপিটাল সবার থেকে আলাদা নয়, সব জায়গাতেই ইমার্জেন্সি পরিষেবা চালু আছে এবং আমরাও চেষ্টা করছি আর কি সাধারণ মানুষকে যতটা পরিষেবা দেওয়া যায় বিভিন্ন কিছুর মাধ্যম দিয়ে সেটা দিতে, একই সঙ্গে প্রতিবাদটা চালু রাখতে। আমরা দেখুন, মানুষের জীবন নিয়ে আমি আগেও বলেছি যে চিকিৎসকরা কখনোই সেভাবে অন্যান্য প্রফেশনের লোকজনের মতো সব কিছু বন্ধ করে রাস্তায় নামতে পারে না আন্দোলনের নামে। আমরা সেই পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিবাদটা চালিয়ে যাচ্ছি, জাস্ট এটাই আর কি। এটা আমরা সবসময় চাইছি যাতে পরিষেবা বিঘ্নিত না হয়, কিন্তু প্রতিবাদটাও যেন জারি থাকে। বনপুর সে কা দেখা নাই বাহার মে সুবিধা মিল রা अभी लाइन लगाएगा सब देखेगा, अभी डॉक्टर आने से तो पता चलेगा क्या सुविधा है, अभी तो कुछ नहीं है, लोग खड़ा है, अभी आएगा डॉक्टर देखेंगे। कहाँ से आई आप? बनपुर। आपका नाम? पूनम देवी। भी चल रहा है आउटडोर में डाटा देगा, कहाँ बोलेंगे आप? आज हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में आज इंडियन डॉक्टर एसोसिएशन का हड़ताल बुलाया गया है, फिर भी हम लोग यहाँ
कंसोल में पैरेलल ओपीडी चला रहे हैं। हमारे यहाँ इमरजेंसी भी खुला है, इंडोर भी चल रहा है और हम लोग अपना बस शांतिपूर्वक तरीके से अपना दिखाना चाह रहे हैं। डॉक्टरों के साथ जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ हम लोग अपना मतलब विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज हम लोग एक ब्लड कैंप भी डोनेशन कैंप भी करने जा रहे हैं जो कि जिसमें हमारे पीजीटी हमारे सीनियर्स हमारे वीआईसी भी अपना ब्लड डोनेट करेंगे और इसके थ्रू हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग पेशेंट के साथ हैं। वी आर विद द पेशेंट्स, वी आर नॉट अगेंस्ट। हम लोग डॉक्टर पेशेंट के लिए ही यहाँ पे सब सारे डॉक्टर्स उपस्थित हैं। हम लोग उनकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं। तो आज हम ब्लड डोनेशन और ये पैरेलल ओपीडी के थ्रू ये दिखाना चाह रहे हैं। आपका नाम पिंकी सिंह। জানেন কি জন্য বাইরে দেখানো হচ্ছে? বাইরে দেখানো হচ্ছে, হ্যাঁ এই সমস্যা যেটা চলছে ডক্টরদের ওই যে সমস্যা নিয়ে তো বাইরে ক্যাম্প হচ্ছে। এটাই আমরা তো আজকে এসেছি, তো এটাই জানি। তো কি দেখাতে এসেছেন? কি বলবেন, এই বাইরে দেখানো হচ্ছে অসুবিধা সুবিধা? হ্যাঁ এটা তো অসুবিধা তো একটু হচ্ছেই আমাদের, কেননা যেটা হয়েছে সেটা তো খুবই খারাপ হয়েছে, কিন্তু আমাদেরও এর মানে বাকি যারা আরো পেশেন্ট আছে তারা খুবই সম্মুখীন পড়ছে। আমি এটাই বলছি যে এরকম আমাদের এখানে তো হয়নি, তো এই মানে এরকম ভাবে যদি বেশিরভাগ স্ট্রাইক করে তো খুব মুশকিলই হচ্ছে আমাদের, এটাই হচ্ছে কথা। আপনার নাম? আমার দেবজানী দত্ত। বাড়ি? বাড়ি দক্ষিণ পাড়া। নাজরীন, ওয়াক্ত চলা হ্যায় মুখতসর সে ওয়াকফে কা। ফ্যাশন প্লাজা, বিগেস্ট ইমিটেশন জুয়েলারি এন্ড ফ্যাশন মেকআপ শপ ইন আসানসোল। লেডিজ কে শৃঙ্গার কে লিয়ে অল শ্রী হরি প্রোডাক্টস, অল টাইপ অফ ইমিটেশন জুয়েলারি, পার্স, ব্যাঙ্গলস, গগলস, ওয়াচেস, পারফিউমস, ডিওস, জেন্টস জুয়েলারি, সাথ মে 10% ডিসকাউন্ট অন অল ব্র্যান্ডস অফ কসমেটিক। তো দের কিস বাত কি, হামারা পতা হ্যায় ফ্যাশন প্লাজা, থার্ড ফ্লোর, গ্যালাক্সি মল, আসানসোল। सिटी स्टाइल, हर पल स्टाइलिश। सिटी स्टाइल ईद के मौके पर लेकर आया है बेशुमार ऑफर। अब 2000 तक की खरीदारी पर मिलेगा कंटेनर, 4000 की खरीदारी पर जिम बैग, 7500 की खरीदारी पर बैकपैक और 10000 की खरीदारी पर मिलेगा प्रेशर कुकर। इसके अलावा मर्दों खातिन और बच्चों के ड्रेसेस पर बहुत सारे ऑफर। तो ईद की खरीदारी में ताखीर क्यों, आज ही आए। हमारा पता है सिटी स्टाइल, ट्रैफिक मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। स्टाइल हब, लेडीज ड्रेस के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जींस का एक ही ठिकाना है स्टाइल हब। स्टाइल हब जहां जेंट्स के लिए जींस, इंपोर्टेड शर्ट, टी शर्ट, शूज, हुकअप और मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। तो देर किस बात की, आज ही आए। हमारा पता है स्टाइल हब, बनपुर, मिनी मार्केट, शॉप नंबर 94। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए एसके इंफोकॉम में। एसके इंफोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इंफोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना, आज ही आना एसके इंफोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। एसके इंफोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, एमसी रोड, इतवारी मोड़, रानीगंज। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती धीरे धीरे तपती जा रही है और कई जानलेवा बीमारियों से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। आज पूरा विश्व ही प्रदूषित वातावरण के कारण दिन प्रतिदिन खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। आइए हम सब मिलकर रन लें
अपने आसनसोल को इस खतरे से बचाएं। आसनसोल नगर निगम की ओर से अनुरोध किया जा रहा है कि आप सभी दुकानदार, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेता या होकर पॉलिथीन या प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम इलाके में पॉलिथीन या प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण, भंडारण, बाहर से मंगवाना, बेचना एवं परिवहन करने पर पूर्णतः रोक है। मात्र 50 से ज्यादा माइक्रोन की प्लास्टिक व पॉलिथीन ही व्यवहार में लाएं। अपने शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के साथ साथ अपनी सेहत का भी रखें ख्याल। सार्वजनिक स्थानों पर पान, मसाला, गुटखा, धूम्रपान व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम प्रशासन की ओर से आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि आसनसोल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखें। तालाब, नदी एवं नालियों में कचरा ना फेंकें। कूड़ा कचरा निर्दिष्ट कूड़ेदान में ही फेंकें और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करें। आइए हम सब मिलकर प्रण ले, क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। यौमे पैदाइश तो हर कोई मनाता है, पर कुछ अलग ढंग से मोहम्मद शहजाद खान ने इतवार के रोज अपना 18वां यौमे पैदाइश मनाया। उन्होंने इस मौके पर अपने साथियों के साथ इस तपती गर्मी में राहगीरों को शरबत पिलाकर उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की। यह प्रोग्राम वार्ड नंबर 83 के चाबी मोड़ में हुआ। शहजाद ने अपने यौमे पैदाइश को यादगार बना दिया। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। खबर आसनसोल हिंदी स्पॉन्सर्ड बाय SK इन्फोकॉम।